जब लोग मेरे पास मानसिक सलाहकारी के लिए आते हैं, तो वो कई तरह के प्रश्न और बहुत सारी गलतफहमियां लेके आते हैं। ऐसे ही गलतफहमी जो मैंने बढ़ते हुए लोगों में देखी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम नाइटफॉल के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम सीमेन लीकेज, नाइटफॉल या जिसे गीले सपने भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में हमारे अंदर की सारी गलत फहमियाँ आज हम मेरे साथ दूर करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। अब जिन लोगों को सीमेन क्या होता है ये नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद मेल्स के पेनिस से जो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है उसे सीमेन कहते हैं। उसी में स्पर्म्स होते हैं। उसके अलावा वो व्हाइट कर्डी और थिक होता है। अब मेल शरीर से सीमेन लीक कभी कभी हो सकता है। सबसे पहले जब वो किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व रहे उस वक्त, दूसरा मतलब भले वो सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व ना रहे लेकिन मास्टरबेशन करता रहे उस वक्त, और तीसरा यानी कि जिसे हम गीले सपने या वेट ड्रीम्स कहते हैं, कि किसी भी तरह के इरोटिक ड्रीम्स आने के बाद या किसी भी तरह की इरोटिक सोच आने के बाद हमारा पजामा या हमारे लिनन जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। भले इसे वेट ड्रीम्स कहा जाता है लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सपने के बाद ही आपको नाइटफॉल हो। नाइटफॉल बिना कोई सपने के भी हो सकता है। अब नाइटफॉल किस तरह के लोगों में ज़्यादा होता है? जो लोग किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में या मास्टरबेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं करते, उनमें नाइटफॉल की जो प्रमाण होता है वो ज़्यादा होता है। एज के साथ नाइटफॉल का प्रमाण किसी भी मेल में घटता जाता है। यदि नाइटफॉल की वजह से आपको वीकनेस या किसी भी तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सोचना कि नाइटफॉल की वजह से मुझे किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, आगे जाके बच्चे होने में तकलीफ हो सकती है या मुझे कमजोरी हो सकती है, ये सब एक गलत फहमी है। एक ऐसी गलत फहमी जो बहुत सालों से हम पालते आ रहे हैं। नाइटफॉल के बारे में बात करना भी लोग उचित नहीं समझते, पर नाइटफॉल एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब आप ही सोचिए कि अगर एक बॉटल है, उस बॉटल में जितना पानी भर सकता है उतना पानी भरने के बाद वो ओवरफ्लो तो ज़रूर होगी। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर के भी कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रमाण शरीर में बढ़ने के बाद उनका बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आपको नाइटफॉल हफ्ते में एक बार दो बार हो रहा हो तो ये नॉर्मल है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से आपका ध्यान भटक रहा हो और उसकी वजह से आपको किसी तरह का घबराहट या किसी तरह की एंजाइटी इश्यूज हो रहे हो तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का ये फासला हमें समझ के लेना। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो आके बताते हैं कि उनके यूरिन से धात यानी कि सीमेन निकल रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल कब होता है? जब हम मास्टरबेशन के बाद यूरिन में से धात निकलता है या सीमेन निकलता है। वो कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है और उसकी वजह से वो यूरिन में निकल जाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना होगी। पर जब ऐसा आपको प्रोस्टेटाइटिस में होता है यानी कि प्रोस्टेट की सूजन की वजह से होता है, किसी भी तरह की यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी के बाद हो सकता है, डायबिटीज़ के वजह से हो सकता है, पर अगर आपको पेशाब में से बार बार धात निकल रहा हो तो उसे हम एक बीमारी कह सकते हैं। उसकी बीमारी का कारण जान के हम उस पर इलाज ज़रूर कर सकते हैं। इसे इंडियन धात सिंड्रोम कहा जाता है। उसके ऊपर कई होम्योपैथिक दवाइयाँ भी अवेलेबल है। उसी के साथ आपको कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होते हैं जो करने से आपका ये इंडियन धात सिंड्रोम ठीक हो सकता है।
सही वक्त पर सही सलाह चुनना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था कुछ नाइटफॉल के बारे में। जाने से पहले कुछ गलत फहमियाँ और दूर करना चाहूँ। सबसे पहला, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। दूसरा, इसकी वजह से पेनिस की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, इसकी वजह से स्पर्म काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, नाइटफॉल के बारे में बात करना कोई किस्म का पाप या कोई गलत बात नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके बारे में जानकार होना ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।